त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने शुक्रवार को अपनी विवादास्पद टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि मानिक सरकार ने सबकी नज़र में अपनी छवि को साफ सुथरा रखा है, लेकिन वे अपने कैडरों के जरिए गांजा का व्यवसाय चला रहे हैं। उदयपुर के धनीसागर इलाके की काली मंदिर में एक डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। जो एकदम नीट एंड क्लीन व्यक्ति अथवा कोनो संत हुए बसे आछेन, कोनो मोरब हुए बसे आछेन, सबाई जाने श्रद्धा करे उनार काछे जाए, और पेछने देखा जाए सोनार बिस्कुटेर व्यवसा करे, दो नम्बरी व्यवसा करे, ब्राउन सुगारेर व्यवसा, बहु हिंदी फिल्मे आमरा देखेछि, ठीक त्रिपुरा राज्य सेटाई हो। उन्होंने कहा कि मानिक सरकार की छवि बहुत ही साफ सुथरी नजर आती है और सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस साफ सुथरे चेहरे के पीछे उनके कैडर गोरख धंधा चला रहे हैं। अमर राज्य जो पूर्वतन मुख्यमंत्री छिलेन, उन्हीं एमन एक चेहरा तैयारी करे छिलेन निजे, जे उनार मतो सद व्यक्ति नहीं, किंतु जखन मुख्यमंत्री पदभार नेवार पर आमी जीवनों कल्पना करते पारिनी जे त्रिपुरा के उन्हीं उनार सततार पेछने नेशा साम्राज्य बनिए रेखे दिए, माने मुक्त करिडोर नेशा साम्राज्य, दो नम्बरी काजेर जन्य भारतवर्षेर मध्ये कोनो राज्य যদি করিডোর হয় সেটা ত্রিপুরাকে বানিয়ে রেখে দিয়েছেন। मिजोरम भाजपा ने मिजोरम प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मालसुंत लुआंगा को बीजेपी युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब बीजेपी आगामी राज्य विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटा है। मालसुंत लुआंगा का युवा बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त होना कांग्रेस के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है, क्योंकि वे मुख्यमंत्री लालथन हावला से बड़ी नजदीकी से जुड़े हुए थे, साथ ही युवा कांग्रेस कमेटी में उनकी अहम भूमिका थी। I have taken the decision that it's time that the youth of Mizoram come to an understanding with what the facts are about today's Mizoram. We want development. The youth of Mizoram are aware of it. They see no alternative to any other in terms of bringing about development in any other party except the BJP, I believe. They support the policy, but at the moment they are, I think, in the midst of making up their mind about what to do about joining which party and getting into the political atmosphere of Mizoram, where it can bring development, real development. And I think BJP is the right choice for that. मेघालय कैबिनेट ने स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयु की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 27 से 32 कर दिया है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट दी गई है। शिक्षा मंत्री एल रिम्बुई ने इस बात की जानकारी दी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। इधर गृह मंत्री जेम्स के संगमा ने कहा कि मेघालय में 5वें वेतन आयोग को लागू करने के संदर्भ में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सलाह को कैबिनेट ने अनुमोदन दे दिया है। इंक्रीज ऑफ एज लिमिट फॉर एंट्री इनटू द टीचिंग फ्रॉम प्राइमरी टू कॉलेज लेवल फ्रॉम 27 टू 32 ईयर्स प्लस 5 दैट मीन 37 ईयर्स फॉर द शिल्ड ट्राइब सो दैट डिसीजन इज फ्रॉम प्राइमरी लेवल टिल college level. Many brilliant so-called prospective teachers, they didn't go to teaching line, they didn't want to finish this. If they get LD job or anything, they will go for that. हाल ही में नागालैंड में बाढ़ तथा भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा करने आई केंद्रीय टीम को गुरुवार शाम प्रभावित जिलों के उपायुक्तों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए उन प्रभावित इलाकों की तस्वीरें दिखाई जहां यह टीम नहीं जा पाई। इस टीम ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान प्रभावित इलाकों का दौरा किया और साथ ही 36 परिवारों से भी बातचीत की। देश का सबसे दूरस्थ जिला किफिरे अभी भी राज्य के अन्य हिस्सों से कटा हुआ है। यहाँ अभी भी हवाई मार्ग से लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है।
त्रिपुरा में स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले 30% विद्यार्थी जनजाति समुदाय से है। इस साल माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे ही विद्यार्थियों को त्रिपुरा सरकार ने सम्मानित किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए जनजाति कल्याण मंत्री मेवाड़ कुमार जमातिया ने कहा कि राज्य सरकार स्कूली शिक्षा आधे में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम करने का प्रयास कर रही है। राज्य में ऐसे विद्यार्थियों के लिए 15 गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। सरकार ने सन 1995 में एक कार्यक्रम के माध्यम से इन विद्यार्थियों के लिए गैर सरकारी संगठनों के जरिए माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की व्यवस्था की। अब तक इन संगठनों के जरिए 20,000 से अधिक विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। एनजीओ इज रनिंग विदाउट नो प्रॉफिट, विदाउट नो गेन, दे कंट्रीब्यूटिंग देयर सर्विस टू पीपल ऑफ त्रिपुरा। देयरफॉर आवर गवर्नमेंट इज कंटेंप्लेटिंग, बीजेपी आईपीपी गवर्नमेंट हैज डिटरमाइंड एंड वी हैव विजन डॉक्यूमेंट दैट इंडिजिनस पीपल will be given topmost priority in their education sector, health sector and development sector. Therefore, today is joint effort of this to the workshop, all Tripura NGO association is organizing this one day program. हाल ही में उत्तर गुवाहाटी में एक नाव हादसे का शिकार हो गई थी। इसी नाव में उत्तर गुवाहाटी का 10 वर्षीय कमल कृष्ण दास नामक एक लड़का भी सवार था। यह लड़का अब सुर्खियों में है क्योंकि उस हादसे में इसने दो लोगों की जान बचाई थी। जैसे ही नाव अर्धनिर्मित पुल के खंभे से जा टकराई, सभी मुसाफिर पानी में गिर गए। हालांकि कमल ने बहादुरी दिखाई और तैरकर खंभे की ओर लपका। इसी दौरान उसने अपनी मां और अपनी एक रिश्तेदार की भी जान बचा ली और बचाव के लिए आई नाव पर दोनों महिलाओं को चढ़ा दिया। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट की पहल पर राज्य सरकार के संबंधित विभाग ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए कमल के नाम का प्रस्ताव भेजा है।